फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो भाई, अभी हम निकल गए हैं बाहर, एक दो काम है, आपको दिखाते हैं। तो अभी सबसे पहले काम है, पेट्रोल पंप पे आ रखे हैं सुबह सुबह तो क्या 11:30 बज चुके हैं भाई। पहले पेट्रोल डलवाते हैं। भाई गया अंदर स्टोर पे, मेरा उतरने का मन नहीं है। अजय भाई तब उतर के खड़ा हो जाऊँगा, अभी तो अंदर जाके आ रहे हैं एक बार, ठंड भी है थोड़ी। आएगा, उतरते हैं, तेल भरवाते हैं और फिर आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। फर्स्ट डेस्टिनेशन पे तो पहुँच गए एरो पे, यहाँ पे भाई कुछ काम है, काम कंप्लीट हो गया था। अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा, ये मतलब भाई बता रहा है कनाडा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अभी चलते हैं अंदर, अभी गुरुद्वारे से निकल लिए, अब चलते हैं एक जगह, भाई को एक और काम है वो करते हैं और फिर पहुँचते हैं घर की तरफ। अभी घर की तरफ निकल रहे हैं, कार कर दी वो वापस, और ये क्राइसलर है, पूरी वीआईपी फील्ड में जाएंगे अभी घर। ये भी घर पहुंच चुके हैं, अभी निकलते हैं गाड़ी में से। बटन काम नहीं करते इसके, वो बटन दोबारा दे दें। ओ भाई, ये बारिश होने लग रही है आज। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भी आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज भी यहाँ पे बारिश और कॉलेज का फर्स्ट डे, तो भाई अभी निकलते हैं कॉलेज के लिए। सोच रहा हूँ ऊपर से क्रॉस कर लूँ, कौन नीचे से घूम के जाए, देखते हैं। दो मिनट वेट करेंगे, अगर क्रॉस हो गया तो ठीक है, नहीं तो नीचे से जाएंगे। और आज सुबह सुबह हमारा नया फ़ोन भी आ चुका है, उसकी अनबॉक्सिंग आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसी वीडियो फ़ोन से कंटिन्यू करेंगे, उसको भी सेटअप करना है। और अभी मैं निकल लिया हूँ कॉलेज के लिए, इसको आगे सेटअप वगैरह करके सारा काम आगे कर, बस रोड क्रॉस हो जाए। यहाँ से अलाउड ही नहीं होगा, नीचे से आना फटाफट, नीचे से ही निकलते हैं क्योंकि रास्ता नहीं बना हुआ, ये फालतू में दिक्कत हो जाएगी। देखिए कोई क्रॉस कर रहा है रोड, यहाँ से ऐसे कर ही रहे होंगे सारे, चलते हैं यहीं से। बस आइए तो इनकी, भाई मेरी भी आने पर कंटिन्यू नंबर आ गया एक बार, फटाफट से उतरते हैं और चलते हैं दूसरी साइड। तो भाई अभी हम अपने कॉलेज से फ्री हो चुके हैं, अब निकलेंगे घर की तरफ। मैं पहले मॉल भी गया था विनर्स, आज मेन बस का है तो इसलिए मैं कोई और ब्लॉग नहीं बना रहा। तो बस इसमें मैंने चार्जर लिया है नए फ़ोन का, हाँ है ना, बस। और चलते हैं अभी बस स्टॉप की तरफ, अंदर से बस मिलेगी। ठंड हो रही है आज, अच्छी खासी बारिश चल रही है। बस लेंगे और 3A 42 पे बस है। आप मतलब फ़ोन की भी अनबॉक्सिंग अभी करेंगे घर जाके अच्छे से सारा कुछ। तो मैं फ़ोन निकाला और भाग लिया, तो लेट हो रहा था कॉलेज के लिए। वो सामने बस खड़ी है, वही पकड़नी है। दिखाते कैसे प्रेस्टो का टैप टूप करना सब कुछ। एक बैड चीज़ तो होगी, मैं सर मेरा प्रेस्टो कार्ड गिर गया और उसमें बैलेंस ही था अभी, और तो मैंने पॉज कर दिया। बस सर यहाँ से गेटवे है थोड़ी सी दूर, आधा किलोमीटर, वहाँ पर जाके करते हैं नया कार्ड ले लेंगे। और वो वाला ट्रा पहले से उसमें ट्रांसफर जाए, बस ये दिक्कत। प्रेस कर दिया, अब अगली लाइट होगी तब चल पड़ेंगे यहाँ से। तो यार फ़ोन निकालते यार, फिर जहाँ पे मैं ऐड कर रहा था फ़ोन वहाँ पे रह गया, कोई ना, बस देखते हैं अंदर। मेरा प्रेस्टो कार्ड मिल गया फाइनली, रास्ते में गिरा था तो यही था कि यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन निकाला वहाँ पे ही गिरा होगा और मिल गया। अब चलते हैं अभी बस, देखते हैं कहाँ से। यार बहुत चलना पड़ रहा है, सच्चे हाथ फ्रीज हो गए यहाँ तो पूरे, बच गया। तो भैया अभी घर पर पहुँच चुके हैं आज, मतलब बस ये लास्ट ब्लॉग है जो इस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके लिए आगे। तो मतलब मैं रिकॉर्ड करना था पर एकदम से बस एक तो मिस होगी, मिस में तो समझ ही नहीं आया वो 25 या 29 में, तो कोई भी नहीं चढ़ा था, तीन जने थे हम, तो इसलिए। तो बस अभी चलते हैं घर, वही प्रेस्टो जब घुमाना है, एक बार से दिमाग ख़राब हो गया था, उसमें बैलेंस भी $58 का पड़ा था तब, मतलब एक ही टैप मारा था तब, $3 ही डिडक्ट हुए थे, तो $46.90 पड़े थे इसमें, तो वो शुक्र है मिल गया। अब हम आगे चल रहे हैं घर की तरफ, और पूरा पानी पानी हो रखा सारी जगह,
बारिश अच्छी खासी चल रही है। कल का स्नोफॉल का भी कह रखा है, ध्यान से चलना पड़ेगा जितने गिल्ले ना हो जाए, गिल्ले हो गए तो सर्दी हो जाएगी। उधर से उस फुटपाथ पे चढ़ते हैं फटाफट से। आज बहुत पैदल चल लिया क्योंकि विनर्स भी गया था, फ़ोन का चार्जर भी देना था। और अब बस मैं घर सही सलामत पहुँच गया, बीच में कोई कांड नहीं हुआ पेस्टो की तरह गुम होने का। तो आपको शो करेंगे अपने नए फ़ोन की बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग इन 3, 2, 1, 0। बाकी बाद में कॉलेज निकलते हैं। थोड़ा सा ही फ़र्क है, उनको सेट करते हैं और स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्या कुछ है इसमें।